महागठबंधन प्रत्याशी जय सिंह ने चलाया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान, कहा मालिक नहीं सेवक चुने। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। बगहा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के युवा कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ शनिवार को कोलौची, सिकटौर, कुलहुआ, पकड़ी सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया तथा जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान पकड़ी चौक पर स्थानीय ग्रामीणों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने युवा उम्मीदवार का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के युवा उम्मीदवार जय सिंह ने कहा कि महागठबंधन के मुखिया तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि जनता ने अगर मौका दिया तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। उनके इसी सोच को साकार करने का काम करूंगा तथा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा किया। जय सिंह ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, युवाओं में काफ़ी बदलाव करने का जज्बा दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के परसौनी, बड़गांव तथा पतिलार में पिछले कई वर्षों से नए अस्पताल बनकर तैयार हैं, परंतु सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण आज भी क्षेत्र की जनता अपना इलाज कराने के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल जाने को विवश है। तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि मैं एक युवा प्रत्याशी हूं और युवा प्रत्याशी होने के नाते हमारे पूरे बिहार में, अगर पूरी देश की बात करेंगे तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। और जिस तरह मोदी जी इस बात को कहते रहे कि अगर आप बेरोजगार हैं तो पकौड़े आप पकौड़ा छाने, और इस तरह की बात बहुत ही बचकानी बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा हैं और उनको पता है युवा होने के नाते हमारे बिहार में जो युवाओं का हाल है उसको ध्यान में रखते हुए उनका एक विजन है किस तरह युवाओं को आगे ले जाएंगे, किस तरह युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके मैनिफेस्टो में भी है और उनकी प्राथमिकता भी है कि युवाओं को आते ही नौकरी दी जाए और उनके जीवन में एक खुशहाल लाया जाए, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी देखा जा रहा है कि बगहा विधानसभा में परसौनी, पतिलार, बड़गांव में कई वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल बनकर तैयार है और वहाँ पे इलाज नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना कोई बहाली की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल सरकार का फेलियर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। आप खुद देखिए, कई सारे ऐसे ओवरब्रिज हैं जिसका उद्घाटन हुआ, मोनोग्राम तक लग गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, आप बड़गांव की बात करें, डिग्री कॉलेज बना हुआ है, उस डिग्री कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पे मुझे लगता है बच्चे छोड़िए वहाँ सांप और गुजर घूम रहे हैं। बगल में एक और पिछड़ी जातियों के लिए एक स्कूल बना हुआ है, मुझे लगता है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। और जब हम लोग वहाँ से जाते हैं तो हमें ना टीचर दिखता है ना कोई बच्चा दिखता है। तो ये बहुत आम चीज़ है बिहार में, सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी स्कीम, कोई भी स्कूल, कोई भी अस्पताल बन तो गया है लेकिन जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन अभी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, केवल नाम का ढांचा बना हुआ है और वहाँ खड़े खड़े सड़ रहा है। आप एक युवा नेता के तौर पे क्षेत्र में उभर रहे हैं तो युवाओं के लिए क्या सोच रखना चाहते हैं? भैया, बिल्कुल, मैं तो महागठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक युवा होने के नाते मुझे मौका दिया है बगहा की जनता का सेवा करने के लिए। और खासकर जो बगहा में युवा हैं, मुझे लगता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिखाने वाला कोई नहीं है, उनके पास रोजगार कहीं नहीं है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी हम लोग अगर विधानसभा में जाते हैं तो युवाओं की जो आवाज़ है उसको बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे। युवाओं के नौकरी के लिए सरकार से हम लोग स्कीम्स तैयार करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बगहा से नौकरी मिले, यही मेरी प्रयास है। जय भैया जिंदाबाद, 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 जय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत का कितना दावा करते हैं इस बार क्षेत्र में? जीत का कितना दावा करते हैं, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे लगता है जीत हार की बात अभी नहीं करनी है, केवल जनता का आशीर्वाद लेना है और आशीर्वाद मिल